आज मैं आपसे एक ऐसी खबर शेयर करने आया हूं जो बॉलीवुड की दुनिया में हलचल मचा रही है। हमारे प्यारे टाइगर श्रॉफ साहब अपनी अगली फिल्म से कमबैक करने वाले हैं। हां, आपने सही सुना, यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिल्म का नाम भी आ गया है। लेकिन एक बात तो पक्की है, टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म से बॉलीवुड में एक नया तूफान आने वाला है। टाइगर श्रॉफ अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म से करेंगे कमबैक। फिल्म का नाम भी आ गया। साल 2020 में आई बागी 3 टाइगर श्रॉफ की आखिरी बड़ी फिल्म थी। उसके बाद आई हीरोपंती 2 गणपत और बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। अब एक बड़ी फिल्म से वापसी करने जा रहे हैं। कोरोना काल के बाद से टाइगर श्रॉफ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। लोग ये कहने लगे कि अब टाइगर को अपने सिनेमा का ब्रांड बदल देना चाहिए। जनता एक तरह की फिल्में देखकर खप चुकी है। ऐसे में अब खबर आई है कि टाइगर अपनी कमबैक फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह बागी 4 होने वाली है। बागी की पिछली 3 फिल्मों ने अच्छा पैसा बनाया था। पहले पार्ट ने इंडिया में 76 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। बागी 2 ने करीब 154 करोड़ रुपए की कमाई की। तीसरे पार्ट में टाइगर एक पूरे देश से लड़ दहाने पहुंच गए। उस फिल्म ने 93 करोड़ रुपए का कलेक्शन दर्ज किया। बागी 4 पिछली 3 फिल्मों से ही होने वाली है। फिल्म की शूटिंग नवंबर में शुरू होने वाली है। रिपोर्ट में कोट किए गए सोर्स ने बताया, बागी एक ऐसी एक्शन फ्रेंचाइज है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। पिछली 3 फिल्में बहुत बड़ी रही हैं। अब साजिद नाडियाडवाला और टाइगर की जोड़ी नवंबर से 4th फिल्म पर काम शुरू करने वाली है। यह अब तक की सबसे बागी फिल्म होने वाली है और मेकर्स इसे फ्लोर पर ले जाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। मीडिया रिपोर्ट में आगे बताया कि हर मामले में फिल्म का स्केल बढ़ाया जाएगा, फिर चाहे वो कास्टिंग हो या एक्शन। साजिद नाडियाडवाला ही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि मेकर्स एक नए नजरिए के लिए दूसरे डायरेक्टर को ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि कन्नड़ फिल्मों के डायरेक्टर हर्ष बागी 4 को डायरेक्ट करेंगे। टाइगर श्रॉफ के करियर के लिए बहुत अहम फिल्म होने वाली है। बीते कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। साल 2020 में आई हीरोपंती 2 इंडिया में सिर्फ 24.45 करोड़ रुपए ही कमा सकी। उससे अगली फिल्म थी गणपत, एक और बड़े स्केल वाली फिल्म। यहां टाइगर के साथ अमिताभ बच्चन और कृति सैनन जैसे एक्टर्स भी थे। फिल्म को सिर्फ 2.20 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली। लाइफटाइम कलेक्शन 9.7 करोड़ रुपए तक ही सिमट कर रह गया। नेटफ्लिक्स इस फिल्म का स्ट्रीमिंग पार्टनर था, लेकिन यह फिल्म वहां रिलीज नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाने लगा कि गणपत की खराब परफॉर्मेंस देखकर नेटफ्लिक्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसी साल टाइगर और अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां भी आई थी। फिल्म ने देश भर में 59,17,000 करोड़ रुपए की कमाई की। इस बीच धर्मा ने टाइगर के साथ स्क्रू ढीला नाम की फिल्म भी अनाउंस की थी, लेकिन बीते 2 सालों से उस पर कोई काम नहीं हुआ। कुछ जगह पिरहने को मिलता है कि उसे डिब्बा बंद कर दिया गया है, वहीं कुछ जगह बताया जाता है कि इसे अभी के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। कुल मिलाकर टिपिकल टाइगर श्रॉफ वाली फिल्मों को पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि ये लोग बागी 4 के साथ क्या करेंगे।